अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब के। और आज है जी मुहर्रम की साथ और हम आए हैं जी डेरे पे। आज का सीन ये है जी कि हमने इधर सिर्फ सिंपल सबील लगानी है क्योंकि काम हमारे बड़े हैं, हमने इधर से जाना है। और घर हमने लंगर तैयार करवाया, नियाज दाल कीमा और रोटियां पिक करनी है, वो पैक करनी है। फिर हमने खीर बनवाई है, वो पिक करनी है। उसका अभी सीन पता नहीं क्या है, कितने बजे तक तैयार होगी। और दूसरा अभी हम सबील वगैरह तैयार करते हैं, बर्फ़ वगैरह ले रहे हैं। आज हम शरबत दे रहे हैं जी इलायची वाला। हमने आपको बताया था कि हम रोज़ एक नया टच देंगे और ये हमारा शेर। अभी हम शरबत वगैरह तैयार करते हैं, फिर हम इधर से जाएंगे गाड़ी वगैरह दिलवा के, खाना वगैरह ले के पिक करके उसको पैक करेंगे घर में। और फिर हम निकलेंगे इंशाल्लाह इमाम बारगाह की तरफ। इमाम बारगाह में हम देंगे अपनी नियाज और सीन करेंगे सारा। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं, ठीक हैं। ये जी शरबत लाए हम, ये चीनी है, बर्फ़ वगैरह उधर है, हमारा साफ टब है, टैंकी भी है, और ये बच्चे रोज़ की तरह इधर वेट कर रहे हैं। ये खुरम भाई और अरमान खड़े हुए हैं। अभी बच्चों को टाइम पता है कि लेट हो गया है, आहिस्ता 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 बच्चे आ जाएंगे। कीड़ियाँ कैसे आती हैं? कीड़ियाँ मीठा रोज पड़ रहे हैं तो भाईजान कीड़ियाँ तो आना ही है। चलो जी पानी पाओ, बोतल लेके आओ जी शान भाई। अभी जी पानी वगैरह डालते हैं, शरबत बनाते हैं। शरबत का कलर ग्रीन ही आएगा, है ना। ये है जी इलायची, ये किन का है, मरहबा वालों का। अल्लाह करे अच्छा बने। शायद मैंने एक दफ़ा एक बाज़ार से पिया था, पिंडी से, मज़े का था। तो डालें ना जी, पहले चीनी शीरा बनाना है ना, जैसे बनाते हैं रोज़ भूल गए। थोड़ा सा पानी डालें, अभी डाला जी शरबत वगैरह। और जिशान भाई फुल शरबती हो गए हैं। भाईजान फैसला बाद जाके दुकान में ला लेना। करी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं। आज क्या आप ला रहे हैं, हम अपनी ज़ुबानी बताएं। इंशाल्लाह आज इलायची वाला शरबत इंशाल्लाह बच्चों को पिलाएंगे सब में, ठीक है। तो एक डिफरेंट वो होना चाहिए। करी साहब आप सोचते हैं कि आज क्या होगा, मतलब इस तरह आप माइंड में लेते हैं। गली में मुझसे पूछा था कि आज और बाद भी हम क्या पिलाएंगे, तो मैंने कहा कि वहां डेरे पे जाके इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा, आप घर से क्या सोच के आए थे? मैंने शरबत का सोचा था कि आपको पता था कि शरबत। चले कोई दूध सोडे का भी प्लान इंशाल्लाह करते हैं, ठीक है। शरबत हमारा हो गया जी रेडी, बाय टेबल वगैरह लगा रहे हैं, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। ये हमारे रोज के मेहमान हैं। अब ये देखें जी छोटे छोटे मेहमान, चेक करें, ये टेबल वगैरह लगा दिए। और यकीन करें कि ये अचानक आ जाते हैं। अभी हम आए थे तो 8-10 थे, अब इन्हें कुछ खुशबू आती है गुप्ता की और शरबतों की, और ये अचानक आ जाते हैं। और हमें मुश्किल नहीं होती बांटने में, मतलब सारी आवाम खुद ही आ जाती है। देखें ना ये भी कितने कितने दूर से लेने आए हुए हैं। आज फैसला बहुत से आया ना, यहाँ की हो गई थी जी सबील कंप्लीट। और अभी हम जा रहे हैं जी घर की तरफ, और यहाँ से अभी गाड़ी वॉश करानी है पहले हमने, फिर नियाज वगैरह घर में पैक करनी है, फिर हम जाएंगे इमाम बारगाह इंशाल्लाह। क्यों जी थके तो नहीं हो भाईजान? नहीं, पक्की गल है। आज फिर करसो जंजीर जनी जिशान भाई, दस हाँ कदू करसो, पक्की गल है। फिर क्लिप किस तरह एड कर सी, ग्रां करसो तुसी ते ग्रां कर सो। चलें जी फिर इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि हमने सेव कर ले नियाज वगैरह पैक की है। अभी हम आए जी घर, गाड़ी शाड़ी धुला के नान वगैरह पिक किए हैं, और अभी हम नियाज रेडी है, इसकी पैकिंग करते हैं। ये जी हमारा दाल कीमा बना हुआ है, ये नान है कुछ, और एक तीसरी नियाज इंशाल्लाह रेडी है, हमने वो रेडी कराई हुई है, वो रास्ते से हमने पिक करनी है। वो है खीर, वो लेके फिर इंशाल्लाह हम बारगाह जाते हैं। और ये देखे जी मांगने वाला घर आ गया जी भाई, डाल के दें जी। ये खास बंदा है जी, ये सारा इसने काम किया है, हम घर नहीं थे, सारी अरेंजमेंट खोखर ने की है, शॉपर लाने तक सामान पूरे नियाज पे इसका हाथ है। और देखें मलंग सा बंदा है, और अभी हम इंशाल्लाह पैकिंग करते हैं, फिर साथ साथ आपको दिखाते हैं। क्यों जी शान भाई क्या सीन है, कितनी रोटियां खाई है जिशान भाई, सच बताना।
नहीं, इनका एक शॉपर इधर पड़ा हुआ है जी, जितना इसमें पैकेट में 10 थी, 10 रोटियां थी जी। किसने खाई, किस किस छह? एक मैंने और खुरम भाई ने खाई, दो नहीं, एक कसम से आधी खाई। तो भाई यार खा भी अरमान को, शर्माने को, अरमाने तीन तीन रोटियां खा के ना, रोटियां यार सवेरा कर लिए जी पैक। अभी हम लेके जा रहे हैं और ये गाड़ी में भी रखेंगे और लेके निकलते हैं, फिर हम इधर जाते हैं। अब आपको बताते हैं, बुरी खबर सुनाई है भाई ने कि रास्ते बंद हैं इस्लामाबाद के, जाके देखते हैं कि क्या सीन शीन बनता है। और यस करते हैं, हम आ गए हैं जी I-8 इमाम बारगाह में और अभी टाइम है जी मजलिस ख़त्म होने में 1 घंटा तकरीबन। हम थोड़ा पहले आ गए हैं, नियाज हमारे पास एक और एडिशन हुआ है और वो ये हमने ऑर्डर किया हुआ था, देखना पीछे गाड़ी भी है, भाई को बताना। ये नियाज है जी खीर की और ये सारे बॉक्स देखना जी गिर ना जाए इधर। अभी इंशाल्लाह मजलिस के बाद इधर हम तकसीम करते हैं, अभी जाते हैं अंदर, मजलिस हो रही है 5 मिनट, देखते हैं अंदर क्या हिसाब है, कितनी देर है, फिर हम ये तकसीम करके आगे रवाना होंगे। ये सारा ये लगा हुआ है जी, पर रोड वगैरह ब्लॉक है, गाड़ी वगैरह हमने बड़े दूर लगाई है क्योंकि बस ये बाहर ना कटो। अभी हम मजलिस के अंदर गए थे जी, मजलिस तो पश्तो में, हमें पश्तो आती नहीं है, इसलिए अभी हम बाहर आ गए हैं, वेट कर रहे हैं। और जब जैसे ही मजलिस ख़त्म होगी, हमने बड़ी कोशिश की, हमें समझ नहीं आई, खैर हम बैठे थे 5-7 मिनट और अभी हम आए हैं जी बाहर। ये इमाम बारगाह I-8 वाला ये बोर्ड लगा हुआ I-9 I-10 का और हम वेट कर रहे हैं, जैसे मजलिस ख़त्म होती है इंशाल्लाह हम नियाज तकसीम करके फिर इधर से रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। मजलिस मेरे ख्याल में होगी जी ख़त्म। ये हम कर रहे हैं, अटना जी भाईजान क्या कर रहे हो? सीधी सेटिंग कर रहे हैं जी, खीर वगैरह लगा रहे हैं, नान और दाल वगैरह हमारे पास, उसके बाद हम देखते हैं वहाँ आहिस्ता आहिस्ता बाहर आती है। हम फैमिली वाली साइड में नहीं है, मर्दों वाली साइड में है, ताकि हम इधर से इजी होके जाके दे दें, ताकि हमने वीडियो वगैरह भी बनानी है। और ये नियाज गिर गई है, उसको हम पिंक साइड पर रखते हैं ताकि पाँव में ना आए, इधर किड़ियाँ शिड़ियाँ खा लेंगी हमारी। ये जिस डिजाइन से नोमी साहब ने खीर रखी थी ना, ये देखिए मेरे पे खीर सारी गिरा दी है, तो गिरती थी, खैर है कोई बात नहीं यार, बंदा मिल गया, फैन था मेरा, उसे मिलना तो था। मैंने नोमी साहब ये इधर मुंह में डालो, कमी चट ले रमाने, ओए ऐसी बातें नहीं करो यार, मेरा तो खैर खाला सी ना साफ ही। आ गया जी, हम नियाज वगैरह तकसीम करके अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हो गया, लेकिन रश बड़ा पड़ गया था, ऊपर से खीर गिरा दी थी नोमी ने मेरे पे, उसकी वजह से हम व्लॉग का क्लिप नहीं बना सके, फिर रोड था रश थी। अभी हम आए जी टाउन में, हम गन्ने का रस पी रहे हैं, प्यास लगी हुई थी उधर, हमने खुद कुछ खाया भी नहीं था। और एक बंदे ने ऑर्डर दिया है 5 गिलास डिस्पोजेबल और ये बंदा ये बैठा हुआ है आला चेक करा दो बंदे। अभी जिशान भैया मैं कुछ खिलाएंगे फास्ट फूड में आज अपने पैसों से, अगर खिलाया तो हम इस व्लॉग में डाल लेंगे, अगर ना खिलाया तो हम नहीं डालेंगे। तो समझ जाना कंगाल है, ये बंदे ने गोली करा दी है, ये वीडियो में कहते हैं हम कि क्या खाना है, चंगा ठंडा बना देता। सॉरी, अभी इस व्लॉग को हम करते हैं जी एंड, खाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए किसी से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपने ही कही है, 2 रोटियां बोल के 5 रोटियां छिक गए हो। अल्लाह हाफिज़।